हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे बात करने वाला हूं आपके वार्षिक राशिफल 2022 के विषय में। और ये जो चर्चा होगी, जो आप वृषभ यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके वार्षिक राशिफल की हम चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको ये वर्ष कैसा रहने वाला है, आपके लिए किस प्रकार के परिणाम आपको देने वाला है। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं आपके व्यवसाय को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आपके करियर को लेके। तो ये वर्ष आप वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत सारे नए अवसरों को लेकर के आने वाला है। यह वर्ष उन जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है जो नौकरी से जुड़े हुए हैं या नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी का स्वामी शनि पूरे वर्ष अपनी ही राशियों में रहेंगे ये शनिदेव, जिसके कारण जातकों के विदेश जाने या नई जॉब उनको मिलने की पूरी पूरी संभावना बनेगी तथा स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। जो जातक डिफेंस या लोहे के काम से जुड़े हुए हैं या मैन पावर जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको इस वर्ष अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने जा रहा है। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह वर्ष अति शुभ रहने की काफ़ी संभावना है। और इस वर्ष व्यापार का स्वामी वृषभ राशि वालों का स्वग्रही है। अगर आप कोई डील काफ़ी लंबे समय से क्लोज करना चाह रहे थे या चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े प्रयास करने होंगे और आपका कार्य बन जाएगा। व्यापारिक यात्राएं भी लाभप्रद रहेंगी, आपको उनका लाभ प्राप्त होगा। जो जातक इन क्षेत्रों से संबंधित व्यापार करते हैं या करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो जैसे कि बिजली का सामान है, सर्जरी से संबंधित सामान होता है, शिक्षा, सुरक्षा, खेल या फिर दंत चिकित्सा, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष मध्यम साबित होगा। वित्तीय स्थिति के हालात कैसे रहेंगे, मतलब धन की स्थिति कैसी रहेगी आपके लिए, आप वृषभ लगन के जातकों के लिए, तो बताना चाहेंगे कि वर्ष के आरंभ से मार्च 2022 तक धन की जो स्थिति है वो थोड़ा कमजोर रहेगी। आपको आर्थिक परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। अप्रैल से अगस्त के बीच का जो समय है धन को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। सितंबर से दिसंबर के बीच का जो समय होगा सामान्य रहेगा और इस वर्ष घर और वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपके पास पुराना वाहन है तो आप नया वाहन खरीद सकते हैं, पुराना घर है तो नया घर खरीद सकते हैं, नहीं है तो आप घर या वाहन खरीद सकते हैं। जून के बाद का समय इन चीज़ों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है आपके लिए। प्रेम संबंध, यह वर्ष प्रेम संबंधों को लेकर जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और इस वर्ष नए प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं। अगर आप पहले से ही अपने प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम संबंधों में काफ़ी समस्याएं हैं, तो आपको काफ़ी उतार चढ़ावों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप किसी भी प्रकार के झूठे वादों से बचें। विवाहित व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन है थोड़ा संघर्ष में रह सकता है। जनवरी से मार्च तक वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी बनेगी, लेकिन माह अप्रैल से इसमें सुधार होगा और जो कि वर्ष के अंत तक बना रहेगा, सुधार होता रहेगा। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इस वर्ष थोड़ी पारिवारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं आपके जीवन में। वर्ष के शुरुआती जो तीन महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़े आपके प्रतिकूल रहेंगे, अनुकूल नहीं रहेंगे, फेवरेबल नहीं है। हालांकि मार्च के बाद परिस्थितियों में सुधार आना आरंभ हो जाएगा और उसके रिजल्ट भी आपके सामने आएंगे। शिक्षक के मामले में कैसा रहेगा छात्रों के लिए, इस वर्ष के आरंभ से लेकर मार्च तक छात्रों को अपनी शिक्षा संबंधित मामलों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इस अवधि में बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेगी। मार्च से अगस्त के बीच का समय सामान्य रहने वाला है। वो जातक शिक्षा प्राप्ति को लेकर विदेश जाना जो चाहते हैं, जो जातक
यानी कि जो छात्र अपनी एजुकेशन इससे संबंधित बाहर जाकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं उन्हें निराश होना पड़ेगा, उनका कार्य नहीं बन पाएगा। संतान, इस वर्ष माता पिता को उनकी संतान से जुड़े मामलों में थोड़ा निराशा हाथ लगेगी। कुछ मामलों में परिणाम थोड़े अनुकूल भी रह सकते हैं, लेकिन संतान संबंधित मामलों की को लेकर के चिंता माता पिता को बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा? आपको इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको खून से संबंधित या कफ या आंखों से संबंधित रोग परेशान करेंगे। गुप्त रोगों की समस्याएं भी आपके साथ बन सकती हैं इस वर्ष। वैसे अधिक समस्याएं तो मार्च तक ही रहेंगी, उसके बाद समस्याएं थोड़ा सामान्य हो जाएंगी या कह सकते हो कम हो जाएंगी। उपाय क्या किए जाएं? तो देखिए, पूरे वर्ष उपाय आपने करने हैं। बुद्ध के मंत्र का करें जाप प्रतिदिन। ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र का एक माला या तीन माला प्रतिदिन। और त्रियोदशी, जिसको हम प्रदोष व्रत कहते हैं, उसका भी आप व्रत अवश्य रखें त्रियोदशी का। ये दो उपाय आप पूरे वर्ष जरूर करें। तो ये था आप वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2022 का। आपको पसंद आया है मित्रों, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।